यहाँ पे देखिए हम इक्वेशन फास्टली सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे 625 को आप 10,000/16 लिखिए, जैसे इसको सॉल्व करना है तो क्यूब रूट्स है तो 3 डिजिट है, तो ये यूनिट डिजिट है तो इसका कितना हो जाएगा 6, और 884 से जस्ट नीचे वाला क्यूबिक टर्म है आपका 9। 10,25 को आप परसेंटेज में है तो आप इसे परसेंटेज में तोड़िएगा 10.25। अगर इसका स्क्वायर रूट से निकालिएगा तो 46 से जस्ट नीचे स्क्वायरिंग टर्म किसका आता है, 6 का, 6, 7, 42। 42 से ज़्यादा है तो इसका ज़्यादा वाला क्या हो जाएगा, 68। अब यहाँ पे आ गया, अब 16 से आप इसे काट दीजिए, कितना है 6। अब 6 से 68 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से 6 into 68, अब बचा 10.25 और ये 10,000 अभी है। तो अब इसको सबसे 10,000 हम बाद में डाल देंगे, सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6 into 8 पहले इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो हो जाएगा 48, 36, 40, यानी 4080, और ये पॉइंट है, पॉइंट मतलब एडिशन। अब इस टर्म को इसके साथ कीजिए, यानी ये 0.25 का मीनिंग हो जाएगा 1/4, 1/4 से 17, और ये 102। अब यहाँ पे अगर आप जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 4182, और ये 40 था वो आप डाल रखिए, इस तरीके से कैलकुलेशन हो। अब यहाँ पे देखिए इसका फास्ट कैलकुलेशंस का क्या है, मैंने आपको इस पे ध्यान रखना होगा कि इसको कैसे कैलकुलेट फास्टली करते हैं, इस पे प्रैक्टिस करना होगा। 10.25 को क्या किए हम, जैसे एक सिंपल यहाँ समझाएं, जैसे 10.25 into 16 है, तो 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 हो जाएगा, और 0.25 का मीनिंग हो जाएगा 1/4। 1/4 अगर करेंगे तो 1/4 से 4 कितना अच्छा है, यानी 164। इस तरीके से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और सो मैंने वहीं पे किया।